थर्ड बेटा आज हम गुड मॉर्निंग आज हम आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, यानी कि उनके हैबिटेट्स का मतलब होता है उनका रहने की जगह यानी निवास स्थान। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी अलग अलग तरह के जो पेड़ होते हैं उनका अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट होता है, यानी कि वातावरण पर्यावरण यानी उनका वातावरण होता है। टू ग्रो सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लैंड्स पर ग्रो करते हैं। सम इन कोल्ड रीजन, कुछ ठंडे इलाकों में, एंड सम इन हॉट रीजन और कुछ गर्म इलाकों में, एंड सम इन वाटर और कुछ पानी के अंदर। यानी प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह अपने आप को ग्रो करते हैं अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग हैबिचुअल। ऑल दिस रीजन आर कॉल्ड हैबिटेट्स, उसे क्या कहा जाता है, हैबिटेट्स कहा जाता है। प्लांट्स हेल्प अस इन अवर सर्वाइवल, हमारी जो पूरी जीवन होता है उसको सर्वाइव करने का एक मुख्य स्रोत होता है, जरिया होता है। ऑल प्लांट्स कैन बी मेनली क्लासिफाइड इंटू टू मेन कैटेगरी, इनको मेनली टू कैटेगरीज के अंदर बांटा जाता है प्लांट्स को। एक होता है टेरिस्टल, जैसे बोलते हैं स्थलीय है, एक होता है एक्वाटिक यानी जलीय। यानी कि जो लैंड के ऊपर यानी धरती के ऊपर जो प्लांट्स होते हैं उन्हें एरिस्टल प्लांट्स कहते हैं यानी लैंड प्लांट्स कहते हैं, और जो पानी के अंदर होते हैं उनको हम एक्वाटिक यानी कि वाटर प्लांट्स कहते हैं। अब पहले वाले के बारे में पढ़ेंगे हम, टेरिस्टल यानी कि लैंड प्लांट्स। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, ऐसे प्लांट्स जो लैंड के ऊपर यानी धरती के ऊपर बड़े होते हैं उन्हें बोला जाता है लैंड और टेरिस्टेरियल प्लांट्स। दी लार्जेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ आर लैंड प्लांट्स, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली लिविंग थिंग्स है अर्थ के ऊपर। लैंड प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो लैंड प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर सभी जगह पर ग्रो करते हैं। दे आर फाउंड इन प्लेन, वो किस एरिया में पाए जाते हैं, प्लेन यानी कि मैदान में पाए जाते हैं, हिल्स में पाए जाते हैं, सी कोस्ट में पाए जाते हैं यानी समुद्री एरिए में, डेजर्ट एरिए में पाए जाते हैं यानी रेगिस्तानी इलाकों में। प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, यानी कि इनका जो समतल भाग होता है किस तरीके से होता है। द प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स फॉर्म रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, यानी इनके लिए क्या ज़रूरत होती है प्लांट्स को ग्रो होने के लिए, एक तो वहाँ का माध्यम यानी जिसके जरिए टेम्परेचर के जरिए और मॉइस्चर वहाँ की नमी के जरिए। दे कैन सर्वाइव इन हॉट समर एंड कोल्ड विंटर, यानी ये सर्वाइव करते हैं हॉट सीजन मौसम में, समर में एंड कोल्ड और विंटर सीजन में। मैंगो बनिया पीपल नीम एंड शीशम आर सम कॉमन ट्रीज ऑफ अ प्लेन्स, ये सारे जो ट्रीज हैं ये प्लेन्स ट्रीज हैं। एंड दे आर दीज ट्रीज हैव ए स्ट्रॉन्ग स्टीम, इनकी स्टीम्स क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। विद ए लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेज, इनमें बहुत सारी ब्रांचेज यानी इनके तने होते हैं। एंड वेल डेवलप विद रूट सिस्टम, ये डेवलप कैसे होते हैं अपने रूट सिस्टम से यानी जड़ से। जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे अपनी बुक में, मैंगो का प्लांट, बनियन ट्री, पीपल एंड नीम। इसके बाद हम पढ़ते हैं माउंटेन प्लांट, इट इज़ वेरी कोल्ड और माउंटेन्स, ट्रीज और माउंटेन्स आर वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द ट्रीज आर प्लेन्स, यानी कि इट इज़ वेरी कोल्ड और माउंटेन्स कोल्ड और माउंटेन्स फॉर्म्स में होते हैं। ट्रीज और माउंटेन्स आर वेरी डिफरेंट, ट्रीज और माउंटेन्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं फ्रॉम द ट्रीज ऑफ प्लेन्स, जो ट्रीज होते हैं प्लेन्स फॉर्म्स में होते हैं। एंड ट्रीज आर वेरी टॉल इन दिस एरियाज, अपने एरिया बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं। दे ग्रो अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, नॉट साइडवेज, यानी कि जो ट्रीज होते हैं ये ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ इनकी हाइट बढ़ती है, ना कि अपने लेफ्ट या राइट साइड, यानी ये फैलते नहीं है, ये लंबाई की ओर बढ़ते हैं। देयर शेप इज लाइक कोन, इनकी शेप कैसी होती है, कोन यानी शंकु जैसी, सच एज पाइन यानी देवदार, फिर कैडर एसेट्रा। मैनी फ्रूट ट्रीज आल्सो ग्रो इन माउंटेन्स, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो माउंटेन्स फॉर्म्स में होते हैं, जैसे कि एप्पल ट्री इज द मोस्ट पॉपुलर ट्री ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, जो एप्पल होता है सबसे फेमस ट्री कहाँ, फ्रूट्स कहाँ का है, कश्मीर का और हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि ये कहाँ पर होता है, कोल्ड एरियाज में होता है। इट ग्रोज ओनली माउंटेन, ये केवल माउंटेन्स फॉर्म में होता है। बट एप्पल्स आर ईटन ऑल ओवर इंडिया, पर इसको सब जगह खाया जाता है इंडिया के अंदर। एप्पल्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बाय द ट्रक्स, यानी इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फॉर्म्स के अंदर इसको पैक करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है ट्रक्स के द्वारा।
क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो फल जो फ्रूट्स जहाँ पर ग्रो होता है वो वहीं खाया जाए, वो सभी जगह पर खाया जाता है। तो उन सब फलों को लेने के लिए कोई वहाँ का व्यक्ति, जैसे हम यहाँ पर हैं तो यहाँ से वहाँ कश्मीर लेने तो नहीं जाएंगे, तो क्या होता है वहाँ से ट्रांसपोर्टर्स यानी जो कि ट्रक्स वगैरह होते हैं उनमें लोड होकर सिटी वाइज सब जगह आता है और फिर हम लोग उसको परचेज करके उसको यूज़ करते हैं। टी प्लांट्स आल्सो ग्रो इन अ हिली रीजन, जो टी प्लांट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, हिली रीजन्स में होते हैं, ठीक है। दे नीड हैवी रेनफॉल, क्योंकि इनको बहुत सारी क्या जरूरत होती है, बरसात की जरूरत होती है। बट दे ग्रो ओनली हिली स्लोप्स, इसलिए लेकिन ये सब कहाँ पर होते हैं, हिली स्लोप्स के अंदर ही होते हैं। वेयर वाटर डज नॉट स्टैगनेट नियर द रूट्स, यानी कि गतिहीन फॉर्म में इनके पास इनके रूट्स तक क्या नहीं पहुँच पाता है, क्या वाटर। ये कहाँ पर होते हैं देखो, जैसे मैंने बताया था एप्पल कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होते हैं, उसी तरीके से जो टी के प्लांट्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आसाम में, दार्जिलिंग में, नीलगिरी में, ठीक है। इन जगह पर क्या पाए जाते हैं, टी प्लांटेशन होता है। प्रोड्यूस फाइन क्वांटिटी ऑफ टी, प्रॉपर तरीके से इनकी टी की प्रोड्यूसिंग होती है, ठीक है। इसके नीचे देखते हैं कोस्टल प्लांट्स, एरियाज दैट आर क्लोज टू सी आर कॉल्ड द कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल एरियाज होते हैं। यहाँ ऐसा कीजिए, पहले आप आज इसको यहाँ